और अब बात मोहन सरकार की ओर से मांगे गए सुझाव की। मोहन सरकार ने जनता से सुझाव मांगे हैं। ये सुझाव 2024-25 के बजट को लेकर मांगे गए हैं। सरकार की ओर से जनता के सुझाव पर बजट निर्माण की बात कही जा रही है। सरकार की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सुझाव मांगे गए हैं, जिसमें लिखा है मध्य प्रदेश बजट 2024-25 के लिए आपके सुझाव #MPMyGovern के माध्यम से साझा करें। आपके सुझाव बजट निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुरैना में दबंगों ने सरपंच की पेड़ में बांधकर पिटाई की। कोथर कला का सरपंच बदमाशों की गुंडागर्दी की वजह से परेशान होकर पलायन करने को मजबूर हो गया। डिजिटल सिग्नेचर और पासवर्ड न देने पर दबंगों ने सरपंच के साथ मारपीट की। सरपंच का कहना है कि पिछले 2 साल से दबंग लगातार परेशान कर रहे हैं। दबंगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। परेशान कर रहा है सरपंच जी, आई हुई क्या हमें जो सरपंच जी दोंगल मांगते हैं, क्यों कटी सील सिक्का मांगते हैं, इसलिए मैंने दो और फिर मारपीट करी है। मैंने कल ब्लॉक में आए पर 3 तारीख को घंटे निकले, फिर मैंने मारपीट करी, फिर अपने घर ले गए, घरें करी है हमारी, तब आवेदन दिया है। खबर दमोह से है, जहां सरकारी शराब की दुकान पर जेसीबी जला दी गई। दरअसल नाले पर अतिक्रमण कर शराब की दुकान चलाई जा रही थी और ग्राम पंचायत की शिकायत के बाद अतिक्रमण हटाया गया। इस शराब की दुकान को हटाने के लिए महिलाओं ने आंदोलन किया था। कलेक्टर के निर्देश के बाद राजस्व विभाग ने एक्शन लेते हुए दुकान पर बुलडोजर चला दिया। अतिक्रमण तो लगभग आज 1 माह हो चुका है और दमोह में अतिक्रमण हटाने का अभियान निरंतर चल रहा है। कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुरूप कुछ दिनों पहले यहाँ पर भी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था, ग्राम पंचायत के माध्यम से भी शिकायत प्राप्त हुई थी कि चौपरा खुर्द में जो पूर्व का नाला बना हुआ था उस पर एक पुरुषोत्तम तिवारी नामक व्यक्ति द्वारा नाले पर अतिक्रमण करके दुकान बना ली गई थी। आज उसी के तहत कार्रवाई हुई है। जबलपुर में जेल विभाग ने नशीली और प्रतिबंधित सामग्री कैदियों तक पहुंचाने वाले जेल प्रहरियों पर बड़ी कार्रवाई की है। जेल विभाग ने 6 जेल प्रहरियों को बर्खास्त कर दिया है। जबलपुर सेंट्रल जेल के 5 और कटनी जेल के 1 प्रहरी पर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है। इन सभी को काम में अनुशासनहीनता बरते जाने पर बर्खास्त किया गया। पहले भी इन प्रहरियों को नोटिस और दिया गया था, समझाया गया था, बावजूद इसके कैदियों और उनके परिजनों से साठगांठ कर जेल में प्रतिबंधित सामग्री ये प्रहरी पहुंचाया करते थे। अच्छे ठंडा लग रहा है। काफी समय से कार्रवाई चल रही थी। कुछ प्रहरी जो जिनका आचरण संदिग्ध है, अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनके द्वारा प्रतिषिद्ध सामग्री जो शासन द्वारा प्रतिषिद्ध की गई है, नशीली सामग्री वो जेल में प्रदाय की जाती थी या बाहर से छुपाई जाती थी, बंदी से साठगांठ कर या उनके परिजनों से साठगांठ कर अंदर भेजी जाती थी, जिसके लिए उनको नोटिस दिया गया, समझाइश दी गई, निलंबित किया गया। उसके बाद भी उनके आचरण में सुधार ना होने के कारण 1 प्रहरी कटनी से और 5 प्रहरी जबलपुर सेंट्रल जेल से इनको बर्खास्त किया गया। जो बड़े लंबे कार्रवाई के बाद इनको बर्खास्त किया गया है। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर एक बड़ी खबर है। एमपी में बनेगा देश का सबसे बड़ा एथेन क्रैकर प्रोजेक्ट। आष्टा में स्थापित होगा ये प्रोजेक्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। 60,000 करोड़ का इसमें निवेश किया जाएगा। प्रोजेक्ट से मिलेंगे रोजगार के हजारों मौके। तो आष्टा में ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, एथेन क्रैकर प्रोजेक्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। 60,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा और इसके चलते रोजगार के हजारों मौके जनरेट होंगे। तो मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर यह बड़ी खबर है, एथेन क्रैकर प्रोजेक्ट जो आष्टा में स्थापित किया जाएगा। 60,000 करोड़ की लागत इस प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करने में आएगी और इसे रोजगार के हजारों मौके भी बनेंगे। प्रशांत कटारे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रशांत, जानकारी दीजिए इस प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये दरअसल आष्टा के क्षेत्र में लगाया जाएगा और इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि कई हजार लोगों को इससे सीधा फायदा होगा, अगर हम विशेष तौर से इस प्रोजेक्ट की बात करें। दूसरा ये महत्वपूर्ण ये है कि करीब 60,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और
मुख्यमंत्री ने आज ही इस पर दिल्ली में है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहीं पे उन्होंने बैठक भी की है, जो गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा सीहोर जिले में दरअसल ये आस्था तहसील में प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। और ये जो पेट्रोल है इसमें एथेंस क्रैकर परियोजना कम पेट्रोलियम परिसर है, और इससे करीब अगर हम जिक्र करें तो 15,000 और करीब 20,000 से 25,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। परियोजना का जो करीब 70 हेक्टेयर का टाउनशिप भी रहेगा जो प्रस्तावित है, करीब 70 साइड ऑफ पर, तो हर वर्ग को उसका फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत जानकारी के लिए।